हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल गुनावत, और आज हम बात करने वाले हैं मीडियन नर्व के बारे में। अगर मीडियन नर्व की अगर बात की जाए तो मीडियन नर्व है वो, इस वीडियो के अंदर में मीडियन नर्व की ब्रांचेस, उसके कोर्स, उसके मसल्स, इनर्वेशन, कार्पल टनल सिंड्रोम और कुछ की क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात करूंगा। मीडियन नर्व की अगर बात की जाए तो मीडियन नर्व है, उसकी जो रूट वैल्यू होती है वो C5 से T1 होती है। मतलब पूरी की पूरी जो ब्रैकियल प्लेक्सस की अगर बात की जाए तो उसकी जितनी भी जो रूट वैल्यू होती है C5 से T1, वो सारी की सारी मीडियन नर्व की रूट वैल्यू होती है। जनरली जो मीडियन नर्व है वो हमारे लेटरल और मीडियन जो रूट्स है उसके अंदर आता है। कहाँ से? जब लेटरल और मीडियल कोर्ट से आता है। जनरली अपन जब ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ा जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि जो कोर्ट है, कोर्ट से क्या आता है, रूट का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें अपन ब्रैकियल प्लेक्सस के अंदर देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो एक्जिला से ब्रांच आई, और एक्जिला से वो हमारी ये एक ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन के अंदर आती है, लेटरल एपिकोंडाइली है, मिडरल एपिकोंडाइली है, यहाँ तक आती है। यहाँ तक इसकी मीडियन नर्व की कोई ब्रांचेस नहीं आती। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर नीचे आती है ये ह्यूमरस से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी एक प्रोनेटर टेरिस मसल्स प्रेजेंट होती है। मतलब जो नर्व होती है दो हेड के बीच में, अब ये दो हेड के बीच में जैसे जो नर्व है उनसे ये पास होके जाती है, कौन? मीडियन नर्व। और मीडियन नर्व पास होके जाएगी उससे जो प्रोनेटर टेरिस से पास होती है, और ये एक ब्रांच देती है जिसको बोला जाता है एंटेरियर इंट्रोसियस नर्व। अब ये एंटेरियर इंट्रोसियस नर्व आगे जाके तीन तरह की ब्रांच देती है। एक तो फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म प्रोफंडस को सप्लाई करती है हमारी मसल्स को, जो एक हाइब्रिड मसल्स है, और उसका भी लेटरल हाफ पार्ट की अगर बात की जाए उसको सप्लाई करती है। उसके बाद में ये जो एक तो हमारी फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म प्रोफंडस मसल्स को सप्लाई किया, किसने? एंटेरियर इंट्रोसियस नर्व ने। एक ये फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस को सप्लाई करती है, और एक हमारे प्रोनेटर क्वाड्रेटर को सप्लाई करती है। तो एंटेरियर इंट्रोसियस नर्व तीन तरह की मसल्स को सप्लाई करती है, FDP, फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म प्रोफंडस, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेट्स के बारे में, करेक्ट? इन तीनों को सप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद में आगे जाती है और एक सुपरफिशियल फ्लेक्सस एक ब्रांच देती है, और फिर उससे नीचे और जाती है एक फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म सुपरफिशियल ब्रांच देती है जिसको FDS बोला जाता है, करेक्ट? फिर ये आगे जाएगी और आगे जाके यहाँ पे हमारे फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है, उस फ्लेक्सर रेटिकुलम से ऊपर की तरफ यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, पाल्मस क्यूटेनियस ब्रांच। वो निकलती तो हमारे फ्लेक्सर रेटिकुलम से ऊपर से निकलती है, बट वो है एक पाल इस फ्लेक्सर रेटिकुलम के साथ चलती है और एक हमारे जो पाल्म रीजन है, इस पाल्म रीजन को सप्लाई करेगी जनरली, करेक्ट? ये पाल्मस क्यूटेनियस नर्व जो मैंने डायग्राम के अंदर शो कर रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हमारे पाल्म को सप्लाई करती है, पाल्मस क्यूटेनियस ब्रांच। उसके बाद में ये जो आगे जाती है और आगे जाके हमारी मीडियन नर्व, और आगे जाके एक लेटरल ब्रांच देती है और एक मीडियन ब्रांच देती है। जो लेटरल ब्रांच है वो आगे जाके सभी तरह की थिनान मसल से उसको सप्लाई करती है, और रिकरेंट ब्रांच है वो भी देती है। और जो मीडियन ब्रांच की अगर बात की जाए तो वो एक डिजिटल ब्रांच देती है और एक लम्ब्रिकल्स ब्रांच देती है। जो L1 लम्ब्राइकल्स होता है वो तो कहाँ से? लेटरल ब्रांच से निकलता है, और जो L2 जो लम्ब्राइकल्स होता है वो मीडियन ब्रांच से निकलता है। L1 और L2 जो लम्ब्राइकल्स है वो मैंने कहा कि ये दोनों लम्ब्राइकल्स है, ये हमारे कहाँ से निकलते हैं? ये हमारे कहाँ से निकल रहे हैं? ये हमारे निकलते हैं कहाँ से? हमारे मीडियन नर्व से। बट जबकि L2 और L3 जो लम्ब्राइकल्स है वो मैंने पढ़ा था अल्ना के अंदर कि वो अल्नाई के अंदर सप्लाई करती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये जो डिजिटल ब्रांच है हमारी डिजिट को सप्लाई करेगी कुछ इस तरह से, जो पिंक कलर से मैंने शो कर रखा है, करेक्ट? और ये यहाँ पे ये सभी तरह की थिनान मसल्स को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट एडक्टर पॉलिसिस। एडक्टर पॉलिसिस को ये जो सप्लाई नहीं करती मीडियन नर्व, बाकी सभी तरह की जो थिनान मसल्स है ना उनको यही मीडियन नर्व है वो सप्लाई करती है। तो बस ये हो गई हमारी मीडियन नर्व के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल के बारे में। अगर क्लिनिकल के बारे में बात की जाए तो दो तरह की इंजरी होती है, एक हायर इंजरी, एक लोअर इंजरी। हायर इंजरी के केस के अंदर क्या होता है कि हमारी जो प्रोनेटर टेरिस है अगर उसके अंदर किसी भी तरह का सिंड्रोम हो जाए, मैं दिखा देता हूं आपको। अगर मान लो ये प्रोनेटर टेरिस के अंदर किसी भी तरह का कोई सिंड्रोम हो जाए तो इसके नीचे की तरफ जितनी भी जो मसल्स है जैसे फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म
फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस प्रेनेटर क्वाड्रेट सुपरफिशियल फ्लेक्सर, और ये इन सभी के अंदर किसी ने किसी की डिफॉर्मिलिटी हो जाएगी सबकी के अंदर, मतलब पूरी की पूरी ये पैरालिसिस हो जाएगी सारी कंडीशन कर। तो उसके बाद में ये प्रोनेटर टेरिस सिंड्रोम हो जाए या सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो जाए, मतलब कहने का मतलब जो हमारे होमरस है ना यहाँ पे, इसके यहाँ पे सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्ट्रुथर सिंड्रोम हो जाता है। स्ट्रुथर सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारी मीडियन नर्व है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, एक इंजरी हो जाती है उसके अंदर, और वो डीप स्ट्रुथर लिगामेंट्स के अंदर। करेक्ट, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर प्रोनेटर टेरिस की अगर बात की जाए, अगर उसके अंदर किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिलिटी आ गई, किसी भी तरह से इंजरी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है डिफॉर्मिलिटी आ गई तो जिसकी वजह से जो हमारी पूरी की पूरी जो मीडियन नर्व है ना, उस मीडियन नर्व के अंदर क्या होगा, इंजरी हो जाएगी सारी की सारी, और उसके अंदर किसी भी तरह के कोई मतलब जो स्ट्रुथेन लिगामेंट है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, ये कुछ इस तरह से। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपन बात करें, तो जैसे मान लो ओपोनिस पॉलिसिस अगर इन्वॉल्वमेंट हुई उसमें, जाहिर सी बात है यार, अगर जो हमारी जो जो प्रोनेटर टेरिस अगर के अंदर किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ गई, डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हमारी पूरी की पूरी मीडियन नर्व पैरालिसिस होगी, मतलब अगर मान लो उसके अंदर अगर ओपोनिस पॉलिसिस अगर इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो उसके अंदर तो जो एफ थंब डिफॉर्मिलिटी हो जाएगी, मतलब जो मंकी की तरह एप्स लाइक थंब हो जाएगा जनरली, और अगर फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म सुपरफिशियल और लेटरल वन हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म प्रोफंडस अगर इन्वॉल्वमेंट होती है, पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर हो जाएगा, मतलब जो हमारी इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स के जो फिंगर है ना उन पे क्या है, पॉइंटिंग आ जाएगी जनरली। और कहने का मतलब ये है कि सेंसेशन है लॉस हो जाएगा, वो किस तरह से, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेंसेशन लॉस हो गया, मतलब जो डिजिट है ना इनके अंदर सेंसेशन फील हो गया, लॉस हो जाता है। जब अपन पढ़ते हैं आगे जाके, मैं बात करूंगा आगे, बताऊंगा अभी कुछ मिनट बाद, कि जो हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम होता है ना, उस कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो जो फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है ना, फ्लेक्सर रेटिकुलम, इसके अंदर ये जो मीडियन नर्व है ना, ये मीडियन नर्व जा रही है इसके अंदर से फ्लेक्सर रेटिकुलम से, तो ये मीडियन नर्व यहाँ पे क्या हो जाती है, फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर कंप्रेस हो जाती है। करेक्ट, और जब ये कंप्रेस हो जाती है ना, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, और कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता है कि थ्री एंड हाफ, ये तीन तो ये एक थंब, एक क्या है, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर, और ये हाफ रिंग फिंगर। करेक्ट, पूरी रिंग फिंगर नहीं, हाफ रिंग फिंगर, तो थ्री एंड हाफ जो फिंगर है ना इनके अंदर, कहने का मतलब डिजिट है ना इनके अंदर, सेंसेशन लॉस हो जाता है और एफ लाइक डिफॉर्मिलिटी हो जाती है जनरली, ये कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर पढ़ते हैं अपन। उसके लिए पेपर टेस्ट और जो बुक पेपर टेस्ट भी पढ़ा जाता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। और मैंने बताई भी है कि ये जो जितनी भी है, जब मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब का, तो वहाँ पे मैंने जितनी भी ये जो नर्व है ना, इनसे जितने भी ये सारे के सारे जो क्लिनिकल थे, जो सारी के सारी क्या क्या चीज़ें हो जाती है, कौन कौन सी कार्पल टनल सिंड्रोम, इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में वहाँ बता रखा है आपको। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो कि जो जो नर्व है सारी की सारी वो किस तरह से, वो सारी पूरी की पूरी जो नर्व है ना, मीडियन नर्व से कौन सा क्लिनिकल होता है, रेडियल से कौन सा क्लिनिकल है, और कोई भी किसी भी तरह के अल्नर से कौन सा क्लिनिकल है, वो सारी की सारी चीजें है ना मैंने वहां पे ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। करेक्ट, उसके बाद में नेक्स्ट बात करता हूँ, ये लोअर इंजरी की अगर बात की जाए, तो लोअर इंजरी के अंदर वही कार्पल टनल सिंड्रोम आता है, मतलब मीडियन नर्व इंजरी हो गई, अभी अभी मैंने बताया, इसके अंदर एफ स्टम्प डिफॉर्मिलिटी हो जाती है, और इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारी पाल्मस क्यूटेनियस ब्रांच हो जाती है ना, वो बच जाती है, उसके अंदर वो रह जाती है, उसके अंदर डिफॉर्मिलिटी नहीं होती। अगर उसके अंदर डिफॉर्मिलिटी नहीं हो जाती ना पाल्मस क्यूटेनियस के अंदर, तो उसके अंदर सेंसेशन लॉस नहीं होता। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट समझाता हूँ। और जबकि जो थ्री एंड हाफ फिंगर है ना, उनके अंदर सेंसेशन लॉस हो जाता है। देखो यार, कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर होता क्या है कि जो मीडियन नर्व है ना कंप्रेस हुई, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हुआ, इसके अंदर क्या हो जाता है कि ये पाल्मस क्यूटेनियस ब्रांच है ना, ये रह जाती है, इसके अंदर पैरालिसिस डिफॉर्मिलिटी नहीं होती। अगर इसके अंदर डिफॉर्मिलिटी नहीं होती ना,
जिसकी वजह से होता क्या है यार, क्योंकि ये साइड से निकल जा रही है, जबकि मीडियन नर्व है वो तो इधर से निकल रही है ना यार, तो ये तो साइड से निकल गई, तो इसके अंदर किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मेलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे तो पेशेंट के क्या होगा, जिस पेशेंट के कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उस पेशेंट के अंदर जो पाल्म जो क्यूटेनियस जो ब्रांच है ना, यहाँ पे तो उसके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसके अंदर जो ये फिंगर है ना, जो डिजिट है ना, यहाँ पे ये 3.5 फिंगर, ये ना ये डिजिट है ना, इनके अंदर क्या होता है कि यार सेंसेशन लॉस हो जाता है डायरेक्ट। ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर, मैं ऑलरेडी डीप में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, जब क्लिनिकल एनाटोमी है उसके अंदर मैंने ढंग से बता रखा है अपर लिंक की क्लिनिकल एनाटॉमी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और जिसके नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। थैंक यू।